तो फ्रेंड्स आज हम आ चुके हैं डायरेक्ट फैक्ट्री पर, एक ऐसे मशीन मैन्युफैक्चरर के पास में जो मशीनों को बनाते हैं, ना कि ट्रेडर हैं। आप यहाँ मेरे पीछे आप यहाँ देख सकते हैं सामने कि सारी मशीनों के पार्ट्स वगैरह हैं वो बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग काम होता है सारी मशीनों से, और काफ़ी सारी मशीनों का ये प्रोडक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही मशीन बनाते हैं, बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिनको ये मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बनाते हैं, और इनको इन मशीनों को बनाते हुए काफ़ी टाइम हो गया। इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सालों से ये इन मशीनों को बना रहे हैं, और कुछ ना कुछ व्यूअर्स के लिए एक्सप्लोर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं। यहाँ से बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने मशीनें लेकर और अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, यानी वो सेटल हो चुके हैं। और जो लोग नए हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ऐसी मशीनें यहाँ पर एक्सप्लोर की गई हैं जो आप ऐसा समझिए इंडिया में पहली बार एक्सप्लोर हुई हैं। कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनकी हाई सेलिंग डिमांड है, यानी जो भी प्रोडक्ट है बहुत ही ज़्यादा बिकता है। तो सर आज आप जो मशीन बताने वाले हैं, तो सर उन मशीनों का प्रोडक्शन वगैरह वो किस तरह से रहे, कितना प्रोडक्शन हो जाता है मशीनों से? जी, ये जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है उसका तो कम है, बट अभी हम जिस मशीन की बात कर रहे हैं वो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। उसमें क्या है, आपने मसाला फिल कर दिया और मैदा फिल कर दिया, आपको मोवीज बन के निकलता है, तो पर मिनट में 25 से 30 पीस पर मिनट बन जाता है। और इसको हम काउंट करें तो 2500 से 3000 पीस के आसपास पर हावर में रेडी होता है जी। तो सर इस मशीन से एक ही चीज़ बनती है कि और भी कुछ बना सकते हैं? जी, मोमोज बनाते हैं इसमें, बाकी अगर आपको स्पेशल है मोमोज के लिए ही मशीन बनी है, और इसमें मीठा मोमोज भी बनाते हैं। साउथ में हमारी मशीन गई है, उसमें वो एक मिठाई होती है, तो उसको मीठा मोमोज के नाम से क्या वो बोलते हैं लोग, तो बन जाता है जी। मोमोज का बिजनेस तो आज तक हमने किसी को फेल होते देखा ही नहीं, मतलब इतना बड़ा मार्केट है कि जिसका कोई, हमारे यहाँ से जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है ना, वो 40-45 हज़ार रुपये की मशीन है, वो लोग ले जाते हैं, उसे टिक्की बनाते हैं, उसमें मैनुअली फील करना होता है, और 10-10 लड़के लगा रखे हैं वो लोग, बना करके जितने छोटे छोटे मोमोज वाले सबको सप्लाई जाता है, तो बहुत बड़ा मार्केट है। आप किसी शहर में, जैसे मैं बात करूँ दिल्ली, जैसे कम से कम दिल्ली में हज़ारों लोग हैं जो मोमोज बना करके और छोटे जो रिटेलर है उसको बेचते हैं, सप्लाई देते हैं, तो आप भी अपना बिजनेस ऐसे कर सकते हैं जी।